देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। आज का दिन पूरे भारतवासियों के लिए एक गौरव का दिन है, क्योंकि चंद्रयान 3 का लॉन्च शुक्रवार को सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। चंद्र मिशन के तहत चांद पर भेजा गया चंद्रयान 3 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा। चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर से 2:35 पर लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 के लॉन्च को देखने के लिए कई स्कूलों के करीब 200 स्टूडेंट्स स्पेस सेंटर पर पहुंचे थे और इस दौरान हजारों लोग भी स्पेस सेंटर पर मौजूद थे। इस भव्य नजारे के ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकित त्रिवेदी जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइव। अंकित, आखिरकार चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है, सबसे पहले तो एक भारतीय होने के नाते कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आज जो क्षण है वो अद्भुत है, अकल्पनीय, अविश्वसनीय है और भारत के लिए गर्व के और मान सम्मान की बात है। इससे पहले चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, वो कहीं ना कहीं असफल रहा। इसको देखते हुए जो इसरो प्रमुख थे उनकी तरफ से एक लंबे समय से इस पर काम किया जा रहा था और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो लगातार उन जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट हैं उन सभी के संपर्क में थे। तो आज जो दिन है बहुत ही गौरव का दिन है। 2:35 पर इसको हरिनगर श्रीकोटा से इसको लॉन्च किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं इससे एक स्थिति बिल्कुल हो गया जो भारत का मान स्वाभिमान और जिस तरीके से तमाम देशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो गर्व के साथ जो तस्वीरें निकल कर आती हैं, तो इसके लॉन्चिंग के बाद से कहीं ना कहीं एक जो सम्मान है वो एक अलग तरीके से खुशबू बिल्कुल आने वाले समय में कारगर होगा और नजर आएगा। बिल्कुल अंकित, यहाँ पर चंद्रयान 2 जब लॉन्च किया गया था तो उससे लोगों की काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी और सभी की नज़र चंद्रयान 2 पर थी, लेकिन कहीं दुर्भाग्यपूर्ण वो जो था सफल नहीं हो पाया। लेकिन चंद्रयान 3 से लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। आपसे ये जानना चाहूँगी चंद्रयान 3 का आखिर उद्देश्य क्या है? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें इसमें जो बजट आया है 615 करोड़ रुपए का बजट बताया जा रहा है। इसरो ने इस मिशन का जो आगाज किया है इसमें 3 बातों को प्रमुखता और लक्ष्य के साथ रखा है। चंद्रयान लैंडर की जो चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग की बात की जा रही है, इससे अगर हम बात करें रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना होगा और अगर हम बात करें तो वैज्ञानिक परीक्षण करना होगा, क्योंकि इससे पहले जो चंद्रयान 2 का लॉन्चिंग की गई थी तो उसमें बताया जा रहा है कि जिस तरीके से उसकी लैंडिंग की गई थी तो वो चांद की सतह पर पहुंचकर वो काफी भारी हो गई थी, जिससे वो जो उसका अगर हम बात करें जिस तरीके से रखा गया था वो उसमें कहीं ना कहीं तकनीकी जो प्रॉब्लम हुई थी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जब वो पूरा घटनाक्रम चल रहा था तो खुद वो इसरो का जो साइंटिस्ट का कार्यालय वहां पहुंचे थे और वहां पर जो इसरो प्रमुख हों या फिर जो साइंटिस्ट थे वो उनको भावुक करने वाला पल था। वो तस्वीरें देश और दुनिया ने देखी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकर वो जो साइंटिस्ट वहां बैठे थे वो जो क्षण था वो जिस तरीके से उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे क्योंकि उसको चंद्रयान 2 को बनाने में उन लोगों ने काफी मशक्कत और मेहनत की थी। तो उनकी बिल्कुल बिल्कुल अंकित, एक अहम जानकारी यहाँ पर अपने दर्शकों को दे दूं कि जैसे ही चांद की सतह पर ये पहुंचेगा लैंडर और रोवर अगले एक लूनर डे या चंद्र दिवस यानी कि धरती के 14 दिनों के समान समय के लिए सक्रिय हो जाएंगे। इसरो के चंद्र अभियान को अगर यहाँ इसका लक्ष्य देखा जाए तो दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में ये सॉफ्ट लैंडिंग करने का है और इसको लेकर काफी तरह की तैयारियां की गई है। अंकित, 5 साल 2019 के बाद आज 2023 है और 2023 में इसे लॉन्च किया गया है, लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहां पर 200 से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे थे, 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स वहां पर पहुंचे थे, हजारों लोग वहां पर मौजूद थे। सभी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा देंगे, लेकिन इसरो चीफ क्या कुछ कह रहे हैं सबसे पहले वो अपने दर्शकों को सुनाती हूं मैं। इट इज इंडीड अ मोमेंट ऑफ ग्लोरी फॉर इंडिया एंड अ मोमेंट ऑफ डेस्टिनी फॉर ऑल ऑफ अस ओवर हियर एट श्रीहरिकोटा हु आर अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री इन मेकिंग। थैंक यू टीम इसरो फॉर मेकिंग इंडिया प्राउड। And thank you, Honorable PM Narendra Modi ji, for having made this possible by unlocking the gates of Sriharikota and enabling the India's space sector. You would recall, Honorable Prime Minister had very recently said, "Sky is not the limit." And living by his words, I think the Chandrayaan today has gone beyond the limits of sky to discover the unexplored horizons of the universe beyond.
तो अभी अभी हमने आपको इसरो चीफ को सुनाया है कि क्या कुछ कह रहे थे, लेकिन इन सब के बीच एक और अहम जानकारी आपको दे देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही फ्रांस दौरे पर है, लेकिन चंद्रयान 3 लॉन्च की बधाई दी है उन्होंने, ट्वीट किया है, एक एक पल पर उन्होंने खुद नजर बनाया हुआ था। और क्या कुछ कहा है ये मैं आपको बता देती हूँ कि उन्होंने लिखा है कि चंद्रयान 3 ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक शानदार चैप्टर की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने यहाँ ये भी कहा है कि ये भारत के हर व्यक्ति के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को ऊपर ले जाते हुए ऊंचाइयों को छू रहा है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है और मैं उनके उत्साह और प्रतिभा को सलाम करता हूं। कहीं ना कहीं हमेशा हमने देखा है कि पीएम मोदी के द्वारा हर उस क्षेत्र के लोगों को बढ़ावा दिया जाता है, हर एक क्षेत्र के लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, इतना बिजी स्केड्यूल है पीएम मोदी का, फ्रांस दौरे पर है, वहां कई तरह के कार्यक्रम है, कई तरह की गतिविधियां हैं जिनमें उन्हें शामिल होना है, बावजूद इसके चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग को वो खुद देख रहे थे, नजर बनाए हुए थे, और जैसे ही ये लॉन्च हुआ उसके बाद उन्होंने एक उत्साहपूर्वक एक मैसेज जो है ट्वीट के जरिए यहाँ के वैज्ञानिकों को लिखा है, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी इस तरह का कोई वाक्य होता है तो खुद एक एक पल की जानकारी लेते हैं। अगर हम पूर्व के घटनाक्रम पर प्रकाश डालें, जिस तरीके से चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग हुई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो का जो ऑफिस है वहां खुद पहुंचे हुए थे, जो तमाम जो पदाधिकारी थे या साइंटिस्ट थे उनको गले जाके उनकी हौसला अफजाई की थी। तो ऐसे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो फ्रांस के दौरे पर हैं, तो जब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हो रही थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां से भारतवासियों के लिए एक ट्वीट किया और फ्रांस में जो तमाम भारतीय नागरिक रह रहे हैं तो उनसे उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं भारत के लिए एक कहीं ना कहीं मैसेज छोड़ा है, और जो वहां के स्थानीय लीडर्स हैं उन्होंने भी इस चंद्रयान 3 को लेकर शुभकामनाएं दी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के माध्यम से उन सभी साइंटिस्टों का आभार जताया और सभी भारत के जो नागरिक हैं उनको चंद्रयान 3 को लेकर जिस तरीके से वाक्य कहा है तो ये भारत के लिए मान और स्वाभिमान और गर्व की बात है। और देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वापस भारत दौरे पर आएंगे तो हो सकता है कि वो इसरो का जो साइंटिस्ट वाला जो कार्यालय वहां पहुंचे और वहां पर पहुंच के पल पल की घटना की, जैसे जिस तरीके से चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, उन सभी साइंटिस्ट से आके मुलाकात करें और उनकी हौसला अफजाई करें। खुशबू, बिल्कुल, यहाँ अपने दर्शकों को एक और जानकारी देना चाहूंगी अंकित, और आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी कि चंद्रयान 3 के विक्रम के जो लेग्स है वो काफी ज्यादा मजबूत बनाए गए हैं, पहले की तुलना में उसे अधिक वेग से उतारने में कामयाब हो सकेंगे, कहीं ना कहीं ये कयास भी लगाए जा रहे हैं। और इसके अलावा लैंडर में भी कई तरह के सुधार किए गए हैं। इसरो के चीफ सोमनाथ ने बताया है कि लैंडिंग वेग को 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 3 मीटर पर सेकंड कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 2 और 3 चंद्रयान में काफी ज्यादा डिफरेंसेस है अंकित, कई मायनों में टेक्निकली चंद्रयान 3 जो है वो ज्यादा मजबूत है, और अब जो उम्मीदें हैं वो और ज्यादा बढ़ जाती है कि इस बार ये जो प्रशिक्षण है वो जरूर से जरूर सफल होगा। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से मैं लगातार जिक्र कर रहा हूँ, जो वहाँ के साइंटिस्ट है उन्होंने एक जो रेशियो निकाला है 635 करोड़ रुपए की लागत आई है, तो इसमें जो तमाम साइंटिस्ट लोग जुड़े हुए थे, इसमें जो टेक्निकल की सुविधाएं जो दी गई हैं, तमाम ऐसे उसमें बायर्स हों या तमाम ऐसी चिपिस लगाई गई हैं, तो आने वाले समय में जिस तरीके से वो धीमे धीमे जिस तरीके से चांद पर लैंडिंग करेगा, क्योंकि चंद्रयान 2 ने एकदम अचानक से की थी और उसका जो ऑर्बिट था वो कहीं ना कहीं वो फट गया था, उसकी वजह से वो क्रैश हो गया था, उसको देखते हुए इस बार साइंटिस्ट ने एक लंबे समय में और कहीं ना कहीं बहुत सुझाव के साथ और तमाम उन सीनियर्स जो साइंटिस्ट हैं उनके चिंतन और मंथन करने के बाद एक लंबे समय के बाद इसको आज सक्सेसफुली 2:35 को श्रीनगर हरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है। तो आने वाले समय में जिस तरीके से 23 से 24 तारीख का इसका वहां पर पहुंचने की आशंका जताई जा रही है तो बिल्कुल सेफ और सुरक्षित पहुंचने की संभावना है। बिल्कुल बिल्कुल अंकित, और कहीं ना कहीं ये 40 दिन हर एक भारतीय के लिए काफी ज्यादा अहम रखता है। और यहां अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगी कि जिस वक्त इसको लॉन्च किया जा रहा था केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह खुद वहां पर मौजूद थे और उन्होंने भी एक एक जो वहां पर कार्य है उस पर नजर बनाए हुए थे, और उन्होंने क्या कुछ देखा और क्या कुछ उसके बाद उन्होंने कहा है ये अपने दर्शकों को पहले सुनाते हैं। इट इज इंडीड अ मोमेंट ऑफ ग्लोरी फॉर इंडिया एंड अ मोमेंट ऑफ डेस्टिनी फॉर ऑल ऑफ अस ओवर हियर एट श्रीहरिकोटा हु आर अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री इन मेकिंग। Thank you, Team ISRO, for making India proud. And thank you, Honorable PM Narendra Modi ji, for having made this possible by unlocking the gates of Sriharikota and enabling the India's space sector.
यू वुड रिकॉल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैड वेरी रिसेंटली सेड स्काई इज नॉट द लिमिट लिविंग बाय हिज वर्ड्स I think the Chandrayaan today has gone beyond the limits of sky to discover the unexplored horizons of the universe beyond. तो काफी उत्साह दिखाई पड़ रहा है, चाहे वो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की बात करें, पीएम नरेंद्र मोदी की बात करें, वहां मौजूद स्टूडेंट्स की बात करें, या हर एक देशवासी की बात करें, हर किसी की उम्मीदें अब और ज्यादा बढ़ गई है चंद्रयान 3 को लेकर। काफी उत्साह है, काफी ज्यादा खुशियां देखने को मिल रही है लोगों के बीच, और कहीं ना कहीं ये अब कहा जा रहा है कि चंद्रयान 3 आखिरकार वो कर दिखा देगा और भारत चौथा देश ऐसा हो जाएगा जो चांद पर जाकर अपनी जो प्रशिक्षण है उसे पूरा करेगा। अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, काफी ज्यादा उम्मीदें लोगों की जुड़ी हुई है, और जैसा कि मैं पहले भी कह रही थी कि अब जो 40 दिन है वो हर एक भारतीय के लिए काफी अहम होने वाला है, क्योंकि यहां पर गिनती 1, 2, 3, 4 से नहीं होगी, 40 से उल्टी गिनती लोग अब गिन रहे होंगे। तो क्या कुछ देखने को मिल सकता है और कितना ज्यादा उत्साह लोगों में है, ये जानना चाहूंगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज लॉन्चिंग हो रही थी तो वहां पर जो तमाम छात्र पहुंचे हुए थे, वो तमाम सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोग पहुंचे थे, या प्रधानमंत्री केंद्रीय पीएमओ के जो मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, वो भी पूरे एक एक घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थे, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि संभवतः वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक एक चीज की जानकारी दे रहे हों। तो ऐसे में देश की राष्ट्रपति हों या तमाम मुख्यमंत्री हों या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हों या विपक्ष के तमाम नेता हों, उन्होंने भी इस जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ उसको लेकर ट्विटर पर एक दूसरे को बधाई और शुभकामना, भारत के लिए मान सम्मान और गर्व की बात है, इस तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी अंदर से जो अपेक्षाएं और जिज्ञासाएं वो जाहिर की हैं। तो स्थिति बिल्कुल साफ है, जिस तरीके से छात्रों या भारतीय नागरिकों वो आज काफी प्रसन्न थे, उनके अंदर जो वाक्य चल रहा था वो मान और सम्मान और भारत का जो स्वाभिमान है बाकी देशों में आने वाले समय में और गर्व से उठेगा। तो ऐसे में जिस तरीके से अमेरिका अपने आप को सबसे संपन्न देश साबित करता है, तो जब हमारा चंद्रयान 3 जब पहुंचेगा तो उससे कहीं ना कहीं स्थिति साफ हो जाएगी कि हम भी उन्हीं सब देशों के बराबर है जो जिस तरीके से वो संपन्न है। भारत अपने आप में खुद ही संपन्न देश है, लेकिन चंद्रयान 3 की जो लॉन्चिंग हुई है उसके बाद जो भारतीय लोग हैं या फिर देश के प्रधानमंत्रियों, देश की राष्ट्रपतियों और तमाम जो मुख्यमंत्रियों, उन्होंने इस बात को बिल्कुल साबित कर दिया है, और जो स्थानीय नागरिक हों उनकी तरफ से भी बिल्कुल एक जो फेस पर तेज है, यश है, वो बिल्कुल सामने दिखाई। बिल्कुल, इन सबके बीच जो एक और अहम जानकारी है इसरो के द्वारा जो जानकारी दी गई है वो बता देती हूँ अपने दर्शकों को। अंकित, थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा यहाँ पर, कि इसरो ने जो जानकारी दी है उसके हिसाब से बता दें कि चंद्रयान 3 की गतिविधि पूरी तरह से सामान्य है और वो उसे चांद की सतह पर देखने की प्रतीक्षा में है। चंद्रयान 3 में से एक लैंडर, एक रोवर और एक प्रोपल्सन मॉड्यूल लगा हुआ है इसमें, और इसका कुल भार आपको बता दें कि 3900 किलोग्राम है। इस मिशन में चंद्रयान का एक रोवर निकलेगा जो चांद की सतह पर उतरेगा और लूनर साउथ पोल में इसकी पोजीशनिंग होगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो चंद्रयान 2 के बाद इस चंद्रयान 3 को लॉन्च करना एक बहुत बड़ा रिस्क भी है, लेकिन दूसरी तरफ काफी उत्साह है, और कहा यह जा रहा है कि चंद्रयान 3 वो करके जरूर दिखाएगा जो चंद्रयान 2 नहीं कर पाया है, क्योंकि चंद्रयान 3 के जो विक्रम के लेग्स है वो काफी ज्यादा मजबूत है, वो पहले की तुलना में अधिक वेग से उतरने को कामयाब हो सकेंगे, ऐसा दावा इसरो के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा यह भी जानकारी दे दें कि लैंडर में कई सुधार किए गए हैं ताकि पिछले बार जैसी स्थिति इस बार चंद्रयान 3 को ना झेलना पड़े, और इसरो के चीफ सोमनाथ ने भी यहां पर यह बताया है कि लैंडिंग वेग जो है वो 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 3 मीटर प्रति सेकंड कर दिया गया है। तो टेक्निकली काफी ज्यादा मजबूत है चंद्रयान 3, और चंद्रयान 2 के मुकाबले अब इसे भेजना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जीत अभी से ही सभी को लग रही है और एक ऐतिहासिक पल कहा जा रहा है। अंकित, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से तमाम साइंटिस्ट आज अपनी आंखों से जिस वाक्य को देख रहे थे और वो लगातार लॉन्चिंग कर रहे थे, जिस तरीके से जो घंटे और फिर उसके बाद मिनट फिर उसके बाद सेकंडों में परिवर्तित हो रहे थे, तो भारतवासी कहीं ना कहीं टीवी की जो स्क्रीन थी उस पर अपनी नजर गड़ाए हुए थे, और जैसे ही जब इसरो की तरफ से जो साइंटिस्ट की तरफ से माइक में साउंड में आवाज दी गई 10, 9, 8, 7 के बाद जैसे ही 0 हुआ उसके बाद चंद्रयान 3 ने अपनी जो उड़ान थी वो एकदम भर दी और वो सक्सेसफुली बढ़ी। तो वहां से जो
जो तमाम तस्वीरें निकल कर आई वो देश और दुनिया ने देखी, और आने वाले समय में ये सफलतापूर्वक पूरा होगा। चंद्रयान मिशन जिस तरीके से चांद पर भेजा गया वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुली होगा, ऐसा इसरो वैज्ञानिक मान रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत शायमान मान सम्मान और गर्व की बात है। बिल्कुल बिल्कुल अंकित, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हो चुकी है, सफलतापूर्वक इसे लॉन्च कर दिया गया है। चंद्र मिशन के तहत चांद पर चंद्रयान 3 को भेज दिया गया है। 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्ष में उतरेगा और उसके बाद 23 से 24 अगस्त को यहां पर इसकी लैंडिंग होगी। अब सभी को 24 अगस्त का इंतजार रहेगा और एक एक सेकंड क्या कुछ परिवर्तन हो रहे हैं इसको लेकर यह हर एक भारतीय जानने की कोशिश करेगा। और सिर्फ भारतीय ही नहीं, पूरा दुनिया, हर एक दुनिया में जो भी लोग यहाँ मौजूद है उनकी नज़र भारत पर है और चंद्रयान 3 पर है, क्योंकि चंद्रयान 2 के दौरान जिस तरीके से यहाँ के वैज्ञानिकों को असफलता मिली थी उस वक्त सिर्फ भारत ही नहीं कई देश इसके लिए मायूस हो गए थे, लेकिन एक बार फिर से वो उम्मीद जुड़ी है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि हो सकता है कि चंद्रयान 3 इस बार स्पेस सेंटर में पहुंच जाए और वहां पहुंचने के बाद मून पर उसकी अच्छी तरीके से लैंडिंग होगी और लैंडिंग होने के बाद यहां पर जिस भी प्रशिक्षण के लिए उसे भेजा गया है वो जरूर से जरूर पूरा होगा। तो इस भव्य नजारे को देखने के बाद एक भारतीय होने के नाते उम्मीद मैं भी यही जता रही हूं कि जल्द से जल्द ये जो 40 दिनों का वक्त है वो खत्म हो और एक सफलता आपके, मेरे, इसरो और पूर्ण भारतवासियों को जरूर मिले। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। देख रहे हैं लाइव 7।